जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में एक रैली का अहतमाम किया। इस रैली का अहतमाम भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की इंचार्ज रजनी पाटिल ने रैली की क्यादत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमूल सदर वकार सुलवानी और वर्किंग सदर रमन भल्ला ने भी रैली में शिरकत की। न्यूज 18 से बात करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि इस रैली का मकसद यात्रा की कामयाबी का जश्न मनाना और जम्मू कश्मीर के मकामी मसाइल को उजागर करना है। हिंदुस्तानी इतिहाद के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि अपोजिशन इतिहाद में कांग्रेस का बड़ा किरदार है, तहम दीगर पार्टियां जो ग्रुप का हिस्सा हैं वो भी एक अहम हिस्सा है। रजनी पाटिल ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इस बयान से इतिहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा इंतखाबात के लिए प्री पोल इतिहाद के बारे में हतमी फैसला आम इंतखाबात के ऐलान के बाद होगा। जोड़ों का एक साल मुकम्मल होने पर आज देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस की तरफ से रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है और अपने यहाँ जम्मू में है यहाँ पर भी एक रैली का इनेकाद किया गया है और जिसकी अगुवाई है जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल कर रही है। उनके साथ कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है वो भी उनके साथ है। हम रजनी पाटिल से बात करेंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि पहले जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी तब ये कहा गया था कि ये कांग्रेस की रैली नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं। नहीं नहीं, कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन जो मुद्दा लेके राहुल गांधी जी आगे चले उसको लेके ही कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और ये सब कार्यकर्ता उसमें जुड़ गए हैं। हम बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ के लोकल मांगे जो है उनको भी हम एड्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ का स्टेटहुड हो, जैसे कि यहाँ का इलेक्शन लेने का मुद्दा हो, वो भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोक शासित शासन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे जो सामान्य लोगों के प्रश्न हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर का प्रॉब्लम है, जिसमें टोल टैक्स का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम उठाना चाहते हैं। और जिस तरह से इंडिया का अलायंस बना है, क्या आप समझती हैं कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका है उस अलायंस में? बिल्कुल, कांग्रेस की अहम भूमिका है, लेकिन सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी हर लेवल पे ली है। इंडिया के लोगों ने, सभी लोगों ने ली है जिम्मेदारी। जिस तरह से पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, आपको नहीं लगता है कि ये इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को लेके आप चल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब दरार आई? देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए हमें सबको बोलना पड़ता है, लेकिन जब आखिरी टॉक होगा, जब लोकसभा का चुनाव का आखिरी वक्त आएगा, तो हम उसमें उसमें डिसाइड होगा कि कौन कहां से लड़ेगा। तो ये थी रजनी पाटिल, जिनका ये कहना है कि आज की जो रैली है जम्मू में, जहां वो भारत जोड़ो की सफलता के बारे में बात कर रही थी, वही उनका ये कहना था कि यहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी इस रैली के द्वारा वो उठाना चाहते हैं। पंजाब मिनिस्टर की तरफ से दिए गए बयान पर रजनी पाटिल का ये साफ कहना था कि ये एक टेम्पररी है, जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद ही कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, किसके साथ कहां अलायंस होगी, उसका फैसला किया जाएगा। वीडियो जल्द चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू।